मैं हूँ शारीना खान। पेश है देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिरी भाग में सुनिए वेलकम समाचार। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रिवर्स रेपो रेट में कमी करते हुए 3.75% कर दिया है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए उपायों की घोषणा करते हुए नकदी संकट को दूर करने के लिए पूंजी बाजार में 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। साथ ही छोटे और मझोले उद्योगों को धनराशि देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ और हाउसिंग सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है। इनमें 76 विदेशी मरीज भी शामिल हैं। अब तक 437 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। 1,748 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं कोई भूखा ना रहे, वितरण प्रणाली को लगातार बेहतर करें, जिससे ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग लॉकडाउन का पालन कर सके। हर व्यक्ति को खाद्यान्न जरूर मिले, अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी उसे खाद्यान्न मुहैया कराया जाए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब छात्रों से 3 माह की फीस एक साथ नहीं वसूल पाएंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसा करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कोरोना संकट और लॉकडाउन के इस दौर में स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 21,42,179 लोग संक्रमित हुए हैं। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,44,420 हो गई है। वहीं विश्व में अब तक 5,41,424 लोग इस संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। और अब पेश है वेलकम समाचार। खबर बरेली से। शामतगंज मार्केट खुलने पर डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दुकानों पर भीड़ ना लगने दे। डीएम ने कहा कि हो सके तो फुटकर दुकानों को होम डिलीवरी करें। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के नवाबपुरा में बवाल के तीसरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। मस्जिदों में ऐलान किया गया कि सभी लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें और स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करें। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में सांप के काटने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। लॉकडाउन के चलते मासूम को सांप के काटने के बाद इलाज नहीं मिल सका। वहीं ग्रामीणों ने अंधविश्वास के कारण सांप को मारकर उसका फन कुचल दिया। इसके बाद सांप को मृतक बच्ची के शव के पास रख दिया। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में पुलिस को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पुलिस की कार्यशैली की जमकर तारीफ की जा रही है। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन पुलिस को पूर्व सभासद राम सनेही राठौर ने फूल माला पहनाकर व गमछा देकर सम्मानित किया। आखिर में बरेली के मौसम का हाल। बरेली में शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कल 36 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। धूप खिली रहेगी। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।